हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून. वेलकम इन आवर ईविस क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक मी एंड माय नेचर. मी एंड माय नेचर में आज हम पढ़ेंगे वाटर एंड एयर के बारे में. ओके, फर्स्टली वी स्टडी अबाउट वाटर. हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर इज प्रीशियस, इट इज यूज्ड. पानी बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज़रूरी है. पानी का यूज़ हम करते हैं फॉर कुकिंग, खाना पकाने में हमें पानी की ज़रूरत होती है. फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, हमें बर्तन साफ़ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. फॉर वाटरिंग प्लांट, पेड़ों को पानी देने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. फॉर ब्रशिंग, हमें ब्रश करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, हमें कपड़े धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. फॉर पुटिंग आउट फायर, अगर कहीं आग लग जाए तो हमें आग को बुझाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. फॉर क्लीनिंग फ्लोर, हमें फर्श को साफ़ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. इन सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बोला गया है वाटर इज प्रीशियस, पानी बहुत ही अनमोल है. मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67. सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत. पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है. वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है. फर्स्ट वेल, हमें पानी कुएँ से मिल सकता है. आपने देखा होगा वेल, कुएँ आपने देखे होंगे. नेक्स्ट सी, हमें पानी समुद्र से मिल सकता है. नेक्स्ट पानी हमें रिवर से मिल सकता है, नदी से मिल सकता है. नेक्स्ट पानी हमें हैडपम्प से मिल सकता है. हैडपम्प को हम चलाकर इसमें से हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं. धरती के नीचे जो पानी होता है वो हम ले सकते हैं. अंडरग्राउंड वाटर हम हैडपम्प से ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉन्ड से हमें पानी मिल सकता है, तालाब से हमें पानी मिल सकता है. और लास्ट रेन, बारिश से भी हमें पानी मिल सकता है. पानी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, रेन, पॉन्ड, हैंडपम्प, रिवर, सी, वेल, ये सभी सोर्सेज ऑफ वाटर है. वन अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68. सर्कल द एक्टिविटीज़ दैट नीड वाटर, हमें उन एक्टिविटीज़ पर सर्कल बनाना है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है. फर्स्ट आप देख सकते हैं खाना पकाना. लेडी खाना पका रही है और खाना पकाने में हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हम फर्स्ट पिक्चर पर सर्कल बनाएंगे. ओके, सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं साइकिल चलाना. क्या हम जब साइकिल चलाते हैं तब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग, एक लड़का पानी पी रहा है और पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट देख सकते हैं जब हम खेलते हैं तब हमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं. जब हम पतंग उड़ाते हैं तब हमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं जब हम प्लांट को पानी दे रहे हैं, प्लांट को जब हम पानी देते हैं तब हमें पानी की ज़रूरत होती है, तभी हम पानी दे पाते हैं. नेक्स्ट पिक्चर हम देख सकते हैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं और कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. अगर पानी नहीं होगा तो हम कपड़े नहीं धो सकते. ओके, नेक्स्ट जब हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, तब हमें पानी की ज़रूरत होती है? नहीं. लास्ट, कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? यस. तो हम नेक्स्ट पिक्चर पर सर्कल बनाएंगे. ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69. एयर, हवा. एयर इज एवरीवेयर, इट हेल्प्स. हवा हर जगह है, हर तरफ हर जगह पर है. इट हेल्प्स, वो हमें मदद करती है. फर्स्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में मदद करती है. टू फ्लाई काइट, पतंग उड़ाने में भी हवा हमारी मदद करती है. टू ब्लो कैंडल्स, कैंडल्स को हमें बुझाने में भी हवा हेल्प करती है. नेक्स्ट टू सेल बोट, बोट चलाने में भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. टू ब्लो बबल्स, बबल्स को फुलाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. टू ब्लो बैलून्स, बैलून में हवा भरने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. द बर्ड्स टू फ्लाई, जो पक्षी होते हैं उन्हें भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. लास्ट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. ये सभी तरीकों में, इन सभी चीज़ों में हमें हवा की ज़रूरत होती है.
नेक्स्ट पेज पेज नंबर 70, सर्कल द एक्टिविटीज दैट नीड एयर. हमें उन एक्टिविटीज़ पर सर्कल बनाना है जिसमें हमें हवा की ज़रूरत होती है. फर्स्ट आप देख सकते हैं बर्ड्स उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं. तो अगर बर्ड उड़ते हैं तो उन्हें हवा की ज़रूरत होती है. ओके नेक्स्ट आप देख सकते हैं कपड़े सूख रहे हैं, और कपड़े तभी सूखेंगे जब हवा चलेगी. हवा चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं. ओके नेक्स्ट बैलून्स, बैलून्स में अगर हम हवा भरेंगे तभी बैलून फूलेंगे, तो बैलून्स में भी हमें हवा की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेन, क्या पेन के लिए हवा की ज़रूरत होती है? नहीं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं वॉच, घड़ी, क्या घड़ी के लिए हमें पानी, घड़ी के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है? नहीं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं बकेट, क्या बाल्टी को हवा की ज़रूरत होती है? नहीं होती है. नेक्स्ट काइट, पतंग, पतंग उड़ाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है. ओके नेक्स्ट आप देख सकते हैं बुक, क्या बुक को हवा की ज़रूरत होती है? नहीं होती है. ओके हमने एक्टिविटीज़ पर सर्कल लगाए हैं जिसमें हवा की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पेज नंबर 71, कलर द पिक्चर. हमें पिक्चर दी गई है, इसमें हमें कलरफुल करना है. ये एक ट्री की पिक्चर है, आपको इसमें कलरफुल करना है. ये आपका होमवर्क है. आप